हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सब लोग ठीक हैं एंड मूड uh, अभी थोड़ा ओके okay है बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू सिंक इन कि अंकित गुप्ता बिग बॉस से चले गए हैं तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसी के कॉन्टीन्यूएशन में है ये वीडियो कि uh, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है अंकित गुप्ता के साथ अंकित गुप्ता एंड अंकित गुप्ता प्रियंकित फैंस वी ऑल हैव बीन चीटेड एंड वी हैव बीन चीटेड वेरी बैडली बाई बिग बॉस तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो इतने हफ्तों से एलिमिनेशन नहीं हो रहा था बिग बॉस बस वेट ही कर रहे थे कि कब अंकित उनके जाल में फंसे और वो उनको निकाले जो हो नहीं पा रहा था तभी वो हर हफ्ते एलिमिनेशन नहीं कर रहे थे और इस हफ्ते जब वो नॉमिनेशन में आया फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ तब भी बिग बॉस ने कुछ नहीं किया क्योंकि बिग बॉस भी वही चाहते थे और उन्होंने घर वालों के हाथ में ये ऑप्शन देकर उसको घर से एविक्ट करवा दिया जो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी पहले तो उस वीकेंड के वार पे इतना ज़्यादा उन्होंने प्रियंका को सलमान सर ने ह्यूमिलेट किया चाहे प्यार प्यार से किया हो बट ह्यूमिलेशन इज़ ह्यूमिलेशन उसको हर चीज़ पे नीचा दिखाया उन्होंने बहुत कन्वीनियंस से कहीं ना कहीं साजिद को क्लीन चिट दे दी कि उसकी कोई गलती नहीं थी जो प्रियंका बोल रही थी कि अगर आपने नॉमिनेट किया है और आप ही सेव कर रहे हैं तो ये बातें दो अलग हो जाती हैं या तो आप नॉमिनेट ही नहीं करते पर उस चीज़ को कोई कहते हैं ना फुटेज नहीं दी गई ना ही सलमान सर ने पूरे एपिसोड में दो दिन के वीकेंड के बारे में कहीं पर भी अर्चना का कोई बिहेवियर डिस्कस किया जो करना बहुत ज़रूरी था जो उसने प्रियंका के साथ किया जबकि उन्होंने उन्ही लोगों को हाइप दिया जो आने वाले एपिसोड्स में वो और देखेंगे अभी तो अंकित और प्रियंका हैं वो और बकरों को पकड़ेंगे लेकिन मुझे लगता है जब अर्चना मंडली के बंदों के साथ कुछ करेगी तब उस हफ्ते सलमान सर फिर बोलने आएंगे जैसे उन्होंने पहले बोला था वरना तब तक तो कोई कुछ करेगा ही नहीं तो बिग बॉस ने घर वालों को बोला कि आप आ, उन लोगों को उस हिसाब से आप एविक्ट करेंगे जिनका पूरे 24 घंटे में कंट्रीब्यूशन कम है और वाइल्ड कार्ड्स को उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि आप इनको मत करिए क्योंकि ये अभी आए हैं तो बेसिकली बिग बॉस ने गन पॉइंट पे सबको बोला कि आप अंकित का ही नाम लीजिए मुझे फर्स्ट टाइम निमृत थोड़ी सही लगी जब उसने ये बोला था क्योंकि बिग बॉस ने यह कहा कि आप उस बेसिस पे उस इंसान को एविक्ट करेंगे जो जिन्होंने ऑडियंस के मन में दर्शकों के मन में छाप छोड़ने से वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए वो नहीं कर पाए तो इस पे निमृत ने बोला हमें कैसे पता कि दर्शकों को क्या पसंद आ रहा है तो बिग बॉस उनको बहुत रूडली मतलब जैसे बिग बॉस ही कोई डॉन है उन्होंने ऐसे बोला निमृत आपको घर में रहना है या नहीं रहना है तो फिर निमृत ने बोला अंकित गुप्ता मतलब गन पॉइंट पे आपने सबसे अंकित गुप्ता का नाम लिया है बिग बॉस और आप ये कह रहे हैं कि दर्शकों के साथ हम वो अपना रिश्ता नहीं बना पाए ये तो आपको अच्छे से पता है ना कि दर्शक कितने पागल हो रखे हैं इस टाइम पे, कितने मिलियन ट्वीट्स उनके लिए जा रहे हैं कि उनको वापस भेजो तो ये चीज़ आपको अगर एविक्ट करना है तो डंके की चोट पे बोल के करिए कि नहीं मुझे नहीं रखना आपको आप मुझे मेरे हिसाब से वो नकली लड़ाई झगड़ा गाली गलोच या लव एंगल नहीं दे पा रहे हो तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो बोलना है तो सच बोल के निकालो ना आप ये क्यों झूठ बोल रहे हो कि ऑडियंस लाइक नहीं कर रही है ऑडियंस तो बहुत लाइक कर रही है और अब आपको ऑडियंस कह रही है कि वापस लेकर आओ क्या आप ला सकते हैं क्या आपके अंदर हिम्मत है क्यों है ही नहीं ना क्योंकि आप हिपोक्रेट हैं क्योंकि आपको पता है मेरी गेम तो खराब हो जाएगी यहाँ पे तो आप ऐसे ऑडियंस के नाम से हर बारी गेम प्ले नहीं कर सकते बिग बॉस ऐसा नहीं हो सकता अब्दू को भेज के वापस क्यों लाया गया है क्योंकि अब्दू को भी ऑडियंस ने बहुत लाइक करा है ऐसे ही अंकित गुप्ता को भी बहुत लाइक करा है अगर आप ये सोचते हैं कि अंकित के जाने के बाद प्रियंका का एक अलग रूप आएगा उसकी गेम आएगी तो सर ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बिल्कुल ही ना आए ऐसा थोड़ी ना है कि अंकित के रहते रहते प्रियंका गेम में कुछ कर ही नहीं रही थी प्रियंका तो हर वीकेंड के वार पे टारगेट होती है हर जगह वो ही फेमस है नॉमिनेशंस में क्या लड़ाई में क्या प्रियंका तो मतलब पूरे घर में प्रियंका ही छाई हुई है तब भी आपको ये लगता है कि प्रियंका गेम नहीं खेल रही है और इस बेसिस पे आपने अंकित गुप्ता को एविक्ट करवा दिया क्यों बिग बॉस अंकित ऐसा ही है ये आप भी जानते हो तो आपने ऑडियंस के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा अंकित से पहले म्बुल स्टैंड निमृत ये लोग क्या कर रहे हैं सुबुल की कितनी बेजती होती है हर एपिसोड में हो रही है आप सुम्बुल के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो उसको घर से निकाल दीजिए या अपने प्रिय मित्र साजिद को निकालिए जो उसको कितना तंग कर रहा है शायद इसीलिए अब्दू ने भी कल आकर उनको कोल्ड शोल्डर दिया साजिद और निमृत को क्योंकि उन अब्दू को भी समझ आ गई कि इनकी रियल पर्सनैलिटी क्या है तो सर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे लोगों को बुरा मत दिखाइए और बुरे लोगों को अच्छा मत दिखाइए क्योंकि अच्छे अच्छे ही होते हैं बुरे बुरे ही होते हैं और प्लीज़ मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अंकित गुप्ता को वापस लेकर आइए ही इज़ एन एसेड टू बिग बॉस एंड ही डिज़र्व टू बी इन द टॉप फाइव ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बी देयर एंड गाइस ये मेरा डिस्कशन है अभी फ़िलहाल अगर आपको मेरे पॉइंट्स मेरे ओपिनियंस वैलिड लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दीजिए थैंक यू